Thank you.
भगवान ने कहा भैया कुछ मांगो, क्या चाहते हो? बोले महाराज कुछ मांगने की, आप मांगने के लिए तो आया था, संकल्प तो यही था कि आपसे कुछ मांगू, लेकिन आपको देख करके अब मेरी मांगने की कोई इच्छा नहीं है, क्या करूंगा मांग के पूरा कर सकते, अब आप मिल गए हो। बोले भैया देखो ऐसा है, बिना मांगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, हमारी इच्छा है कि हम कुछ आपको दें। तो प्रभु यदि आप मुझ पर देना चाहते हैं तो एक ही चीज मांगता हूँ, जो ये मांगने की प्रवृत्ति है ये सदा सर्वदा मेरे जीवन से निकल जाए, मेरे मन से निकल जाए। लेकिन बेटे ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम संकल्प कुछ और नहीं करके बैठे, जाओ 36,000 वर्ष तक पहले राज्य को संभालो, राज्य करने के बाद फिर मेरे दिव्य धाम में तुम्हारा स्वागत, पहले राज्य संभालो। इतना कह करके भगवान अंतर्धान हो गए और ध्रुव जी महाराज जी घर की ओर चल गए। राजा उत्तान पाल को जब पता लगा कि मेरा बेटा सुरक्षित घर पहुंच रहा है, तो सारे नगर के वासी ध्रुव जी की माँ सौतेली माँ जो मुंह देखना तक पसंद नहीं करती है महाराज, आज हाथ जोड़ करके खड़ी है स्वागत करने के लिए। है क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहु सब होई। जब परमात्मा की कृपा जीव पर रहती है ना, तो सब लोग अपने आप ही जो है उस पर कृपा करने लग जाते हैं, उसकी बात सुनने लग जाते हैं, उसका उसका मान सम्मान बढ़ने लग जाता है। ते सम्मता जनपदेश धनानि तेषां तेषां यशां चिरदसि धनधर्मवर्गौ वर्धन्यास्तैः मनुजदात्मजवृद्धारा ईशां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। जिस पर वो परमात्मा, जिस पर वो भगवती इसका प्रसन्न हो जाती है, तो देशम मता जनपदेश धनानि फिर सम्मान मान सम्मान वैभव यश कीर्ति उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, स्वतः होता है। तो आज